Hello viewers and learners of home science. I am Asha Kharab. Basically ये video home science students के लिए है और आज हम इस video में बात करेंगे पारंपरिक भारतीय कढ़ाई के बारे में, यानी कि traditional embroideries of India. तो इसके बारे में discuss करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी भारतीय कढ़ाई विश्व प्रसिद्ध रही हैं. भारत वस्त्र निर्माण कला का में बहुत पहले से मशहूर रहा है और विश्व में भारतीय वस्त्रों की काफ़ी डिमांड भी रही है. तो उस लिहाज से हमारे जो भारतीय कढ़ाई है और भारतीय वस्त्र हैं, ये काफ़ी फेमस रहे हैं. और अगर हम देखें तो हमारी भारतीय कढ़ाई आज के म्यूज़ियम्स में भी हमें इसकी झलक दिखाई दे जाएगी, रखी हुई हैं, हम वहाँ से भी इनको देख सकते हैं. तो हमारी जो भारतीय कढ़ाई है वो हमारी संस्कृति की धरोहर रही है. अब जो ये वस्त्र होते थे इनके ऊपर हाथ से कढ़ाई की जाती थी पहले, आजकल हम मशीन एम्ब्रॉयड्री भी करते हैं. तो एम्ब्रॉयड्री जो है वो हैंड एम्ब्रॉयड्री या मशीन एम्ब्रॉयड्री. और भारतीय कढ़ाई की कला पुराने समय से, बहुत पहले से ही, यानी कि वैदिक पीरियड से ही ये प्रसिद्ध रही है, इसका प्रचलन रहा है. और मुगलों के समय में भी इस कढ़ाई कला को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, इसका विकास हुआ. इस कढ़ाई कला को पुरुष और स्त्री दोनों ही करते हैं और अधिकतर जो मुस्लिम परिवार हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस आर्ट में, एम्ब्रॉयड्री आर्ट में. जैसे जरी का काम है या और कोई कश्मीरी कढ़ाई का काम है, उसमें भी मुस्लिम परिवार काफ़ी सहयोग करते हैं. तो अब हम देखेंगे एम्ब्रॉयड्रीज टाइप्स एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन. हमारे यहाँ करीब 10 प्रकार की ये भारतीय पारंपरिक कढ़ाइयाँ हैं जिनके अलग अलग ओरिजिन हैं. इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में ये एम्ब्रॉयड्रीज की जाती हैं और अधिकतर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ठंड के समय पुरुष वर्ग इन कढ़ाइयों को करते हैं. तो पहले हम देखें फुलकारी. फुलकारी ये पंजाब और हरियाणा की एम्ब्रॉयड्री है. फुलकारी को पंजाब की शान भी कहा जाता है. फिर है कांथा. कांथा वेस्ट बंगाल की एम्ब्रॉयड्री है और वहाँ पर स्त्रियों के द्वारा ये कढ़ाई की जाती है. फिर है चिकनकारी. चिकनकारी यूपी के लखनऊ में काफ़ी प्रसिद्ध है और अधिकतर ये सफ़ेद वस्त्र पर, सफ़ेद धागे से ही की जाती है. कशीदा. कशीदा कश्मीर की कढ़ाई है और कश्मीरी पुरुष और स्त्रियां इस कढ़ाई को शॉल्स वगैरह पर करते हैं. कसूती ये सिंध कर्नाटका की एम्ब्रॉयड्री है. और चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश में की जाती है. मणिपुरी एम्ब्रॉयड्री ये मणिपुर की प्रसिद्ध कढ़ाई है. जरी का काम ये यूपी में किया जाता है. यूपी के बनारस के क्षेत्र में जरी का काम काफ़ी किया जाता है, लहंगों पर या शादी विवाह के वस्त्रों पर ये की जाती है. सिंधी एम्ब्रॉयड्री सिंध काठियावाड़ कच्छ गुजरात आदि में ये की जाती है. मिरर वर्क ये राजस्थान में काफ़ी इसका प्रचलन है. तो जो भी हमारी हैंड एम्ब्रॉयड्री है ये देखने से ही पता चलती है कि मशीन एम्ब्रॉयड्री से ज़्यादा खूबसूरत लगती है और हाथ से कड़े हुए वस्त्र महंगे भी बिकते हैं. इन भारतीय वस्त्रों की विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार है उसमें काफ़ी इसकी डिमांड रहती है और ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं. हाथ से कड़े हुए वस्त्र बहुत महंगे भी बिकते हैं. अब हम बात करेंगे फुलकारी की. फुलकारी जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यानी कि फूलों की कढ़ाई, और इसे पंजाब की शान माना जाता है. पंजाब में शादी विवाह के अवसर पर लड़कियों को फुलकारी के वस्त्र ओढ़ाए जाते हैं या उन्हें दहेज में दिए जाते हैं
और इन वस्त्रों की बाकी जगह भी काफ़ी डिमांड रहती है। फुलकारी के सूट, फुलकारी के दुपट्टे या चादरें या साड़ियाँ या इनकी जैकेट्स, अलग अलग रूप में हम इस फुलकारी को प्रयोग करते हैं। तो फुलकारी यानी कि फ्लावर वर्क। अब ये कहाँ की जाती है? वैसे तो इसे पंजाब की एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, क्योंकि 1966 से पहले हरियाणा राज्य नहीं होता था, सिर्फ पंजाब ही होता था, लेकिन उसके बाद हरियाणा राज्य अलग हो गया। तो आज हम कह सकते हैं कि ये पंजाब और हरियाणा दोनों की ही एम्ब्रॉयडरी है, पारंपरिक एम्ब्रॉयडरी है। पंजाब में जालंधर, पटियाला, अमृतसर, लुधियाना, नाभा और कपूरथला, ये ज़िले प्रसिद्ध रहे हैं फुलकारी के लिए। और हरियाणा के जो ज़िले हैं, रोहतक, गुड़गांव, हिसार और करनाल, यहाँ पर भी काफ़ी फुलकारी की जाती है। फुलकारी का काम अधिकतर स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, वो अपने फ्री टाइम में ये वस्त्रों पर काढ़ने का काम करती हैं। अब फैब्रिक कौन सा यूज़ होता है? फुलकारी में खद्दर फैब्रिक का यूज़ किया जाता है। खद्दर यानी कि ऐसा वस्त्र है जो कि हाथ के द्वारा ही बुना गया हो और मोटा कपड़ा होता है, और इस खद्दर की चौड़ाई कम होती है, तो विड्थ कम होने के कारण इसे आपस में चौड़ाई में जोड़ लिया जाता है, दो तीन टुकड़ों को आपस में सिल लिया जाता है और फिर उसके ऊपर कढ़ाई का काम करते हैं। तो खद्दर का जो कलर है वो अधिकतर डार्क कलर लिया जाता है, जैसे रेड, येलो, मैरून, डार्क मैरून या लाखा कलर जिसे कहते हैं वो, या गहरा नीला और काले रंग का खद्दर लिया जाता है। आजकल फुलकारी दूसरे कपड़ों पर भी, जैसे जो दूसरे सूती वस्त्र हैं उनके ऊपर भी की जाती है। डिज़ाइंस के लिए हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस अधिकतर होते हैं, और या फिर कुछ लहरिया डिज़ाइन होते हैं, या फिर इसमें नेचुरल डिज़ाइंस लिए जाते हैं। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बनाने के लिए धागे को गिनकर और फिर कढ़ाई की जाती है, और ये कढ़ाई वस्त्र की पिछली साइड से की जाती है। इसमें डिज़ाइन को ट्रेस नहीं किया जाता, सिर्फ धागों को गिनकर ही उसके ऊपर टाँके लिए जाते हैं। अब हम टाँका कौन सा लेते हैं? रफू वाले टाँके का प्रयोग किया जाता है या फिर कच्चे टाँके का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम डार्निंग स्टेज कहते हैं। और जो धागा है वो रेशम का लिया जाता है, लेकिन बिना ऐठन वाला होता है, बिना ऐठन वाला अनट्विस्टेड थ्रेड, जिसको हम पट का धागा कहते हैं। तो फुलकारी में स्पेशली पट का धागा लिया जाता है, और ये खद्दर या सूती कपड़े के ऊपर की जाती है। धागे का कलर भी काफ़ी ब्राइट होता है, जैसे रेड, ऑरेंज, पिंक या येलो। अब इसके हम यूजेस कहाँ करते हैं? इसके यूजेस जो है वो सूट्स पर, दुपट्टे पर, कुशन कवर पर, बेडशीट पर, टेबल क्लॉथ पर या साड़ियों में किया जाता है फुलकारी का यूज़। अब हम देखें फुलकारी के अलग अलग प्रकार हैं। इसमें डार्निंग स्टिच होती है, लेकिन देखने में ये साटिन स्टिच जैसा लगता है, और कई बारी वस्त्र के पूरे हिस्से को धागे से ढका जाता है, पूरा जाल बना दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं बाग फुलकारी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फुलकारी के अलग अलग प्रकार, जैसे बाग फुलकारी है, चोग फुलकारी है, या तिल पत्ता फुलकारी है, या नीलक फुलकारी है, या मिरर फुलकारी है। जो बाग फुलकारी है उसमें पूरे वस्त्र पर कढ़ाई की जाती है और वस्त्र का बहुत कम हिस्सा दिखाई देता है। अब अलग अलग तरह के इसमें बाग लिए जाते हैं, जैसे शालीमार बाग है, मिर्च बाग है, धूप छाँव बाग है, पचरंगा और सतरंगा बाग है, या घूंघट बाग है। डिज़ाइन के हिसाब से शालीमार बाग, मिर्च बाग, धनिया बाग, इस तरह के इनके नाम रखे जाते हैं। धूप छाँव बाग का मतलब है कि इसमें सफ़ेद और पीले रंग का धागा लेकर और उससे वस्त्र के ऊपर कढ़ाई की जाती है, तो वो लाइट एंड शेड, इस तरह का सन शेड, इस तरह का उस पर रिफ्लेक्शन आता है।
जो पचरंगा और सतरंगा भाग है इसमें पांच कलर्स धागे के पांच रंग या सात रंग के धागों से कढ़ाई की जाती है। तो ये फुलकारी भी देखने में काफी सुंदर लगती है और महंगी होती है। फिर है घूंघट घूंघट बाग। घूंघट बाग में ये स्पेशली लड़कियों को विवाह के अवसर पर दिया जाता है और इसमें जो सिर के ऊपर एक तिकोना हिस्सा बनाया जाता है जिसे घूंघट कहते हैं और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। अब देखें हम चौब फुलकारी। चौब फुलकारी में वस्त्र के चारों तरफ एक बॉर्डर बनाया जाता है 3 से 4 इंच का और बीच का हिस्सा छोड़ दिया जाता है। सिर्फ बॉर्डर पर ही एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो ये है चौब फुलकारी। फिर है तिल पत्ता फुलकारी। तिल पत्ता फुलकारी में बहुत कम एम्ब्रॉयडरी की जाती है और ये वस्त्र बहुत सस्ते होते हैं और अधिकतर घरों में काम करने वालों को दिए जाते हैं। शादी ब्याह ब्याह के अवसर पर जो घर में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है उपहार के स्वरूप। ये सस्ते वस्त्र होते हैं और इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी कम होती है। तिल पत्ता फुलकारी ये वस्त्र चमकते हैं और ज़्यादा महंगे नहीं होते। फिर है नीलक फुलकारी। नीलक फुलकारी में वस्त्र का रंग, कपड़े का जो रंग है वो नेवी ब्लू या फिर ब्लैक लिया जाता है और इसके ऊपर धागे का रंग पीले रंग का या सफ़ेद रंग का धागा लिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं नीलक फुलकारी। ये बहुत सुंदर लगती है देखने में और इसमें जो बैकग्राउंड है वो बहुत डार्क कलर का होता है। मिरर फुलकारी। इसमें फुलकारी के साथ साथ शीशे लगा दिए जाते हैं और ये शीशेदार फुलकारी कहलाती है। अब हम बात करते हैं अगली एम्ब्रॉयडरी की जो कि कांथा है। नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी हमारी कांथा। कांथा वेस्ट बंगाल की कढ़ाई है और इसे स्त्रियों के द्वारा अधिकतर किया जाता है। इसमें जो हम फैब्रिक लेते हैं वो कॉटन लेते हैं लेकिन आजकल इसको सिल्क, जॉर्जेट या क्रेप और शिफॉन के वस्त्रों पर भी किया जाता है। पुराने समय में सिर्फ सूती वस्त्रों के ऊपर ही, सफ़ेद सूती वस्त्रों के ऊपर ही ये कांथा की जाती थी। कांथा के लिए पुराने कपड़े लिए जाते थे, कॉटन के फैब्रिक लिए जाते थे और स्त्रियां अपनी पुरानी सूती साड़ियों को 3 4 तह बनाकर उनको सिल लेती थी और फिर उसके ऊपर कच्चे टाके से डिज़ाइन तैयार करती थी। तो वो पतली बेडशीट के जैसे बन जाता था, फिर उसे चादर के रूप में या दूसरे रूप में उसका प्रयोग किया जाता था। तो ये जो कांथा स्टिच है ये अधिकतर कच्चा टाका होता है लेकिन कहीं कहीं हम इसमें साटिन या लूप स्टिच का भी इस्तेमाल करते हैं। बैक स्टिच, लूप स्टिच और साटिन। साटिन का मतलब है भरवा टाका। तो कच्चा टाका, भरवा टाका और लूप स्टिच ये इस्तेमाल होते हैं कांथा में और इससे साड़ियाँ बनाते हैं। हल्के जैसे ओढ़ने की चादरें या लाइट ब्लैंकेट ये तैयार किए जाते हैं और इसमें जो है साड़ी तैयार की जाती है। कई बार बच्चों के वस्त्र भी इससे बनाए जाते हैं। अब इसमें हम जो डिज़ाइन लेते हैं वो अधिकतर नेचुरल डिज़ाइंस होते हैं, जैसे पशु पक्षियों के डिज़ाइन हो गए या फूल पत्तों के डिज़ाइन हो गए जो कि आम जिंदगी से लिए जाते हैं। अब इस कांथा कढ़ाई में तोते हैं, मोर हैं, मछली है, नाव है, इस तरह के डिज़ाइंस लिए जाते हैं। तो ज़्यादातर ये नेचुरल डिज़ाइंस होते हैं, वो पशु पक्षियों से या फूलों से संबंधित डिज़ाइन इसमें ले जाते हैं और कई बारी ज्योमेट्रिकल शेप भी ली जाती है। अब जो कॉटन का थ्रेड ही इसमें लिया जाता है यानी कि हमारा जो कपड़ा है वो भी कॉटन का है और ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी के लिए हम धागा ले रहे हैं वो भी कॉटन का ही लिया जाता है। तो इससे स्त्रियां अपने पुराने वस्त्रों को प्रयोग करती हैं और उनका इस्तेमाल ओढ़ने बिछाने के लिए किया जाता है। लेकिन आजकल कांथा का इस्तेमाल हम क्रेप, शिफॉन, जॉर्जेट आदि पर भी करते हैं। अब नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी हम देखते हैं चिकनकारी। चिकनकारी ये यूपी की एम्ब्रॉयडरी है और यूपी में स्पेशली ये लखनऊ में की जाती है। तो कई बार इसे
लखनवी कढ़ाई भी कहते हैं। चिकनकारी यानी कि लखनवी कढ़ाई, और अधिकतर ये सफ़ेद वस्त्र पर की जाती है। कपड़ा बहुत महीन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, मोटे कपड़े के पर नहीं करते। और चिकनकारी को करने के लिए उल्टी तरफ से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। पीछे की तरफ से हम इसके ऊपर हेरिंग बोन स्टिच करते हैं और आगे की तरफ से ये शेडो के रूप में हमें दिखाई देती है। तो अधिकतर चिकनकारी सफ़ेद वस्त्र पर ही की जाती है, लेकिन कई बार ये रंगीन वस्त्रों पर भी करते हैं। और इसमें जो हम स्टिच यूज़ कर रहे हैं वो हेरिंग बोन स्टिच होता है, यानी कि मच्छी टांका, जो कि पीछे से की जाती है, कपड़े के पीछे की तरफ से किया जाता है। और इसका जो डिज़ाइन है वो ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है या नेचुरल भी हो सकता है। इस चिकनकारी में एक अंबिया, यहाँ पर जो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं अंबिया का डिज़ाइन, ये बहुत फेमस डिज़ाइन है और इसका यूज़ कहीं ना कहीं ज़रूर किया जाता है चिकनकारी में। अब जो हम स्टिच ले रहे हैं वो अलग अलग तरह के हैं, जैसे फंदा स्टिच है, जाली स्टिच है, मुरी और बखिया। बखिया का मतलब है बैक स्टिच, मुरी जो इसको चावल के दाने के समान कहते हैं, इस तरह के टाँके दिखाई देते हैं। तेपची, ये तिरछा टाँका लिया जाता है, और जाली वर्क भी बनाया जाता है। चिकनकारी में जाली वर्क बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसमें कपड़े के धागों को अपनी जगह से हटाकर और वहाँ पर उनको बांध कर, धागों को बांध कर जाली बनाई जाती है। बहुत महीन काम होता है, इसको मुस्लिम कारीगर करते हैं और ये देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं। और चिकनकारी की बहुत डिमांड भी होती है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत डिमांड होती है। इस तरह के कपड़ों को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। और चिकनकारी का प्रयोग पुरुषों के कपड़ों पर, उनकी टोपियों पर, उनकी जैकेट्स पर या फिर साड़ियों पर ये किया जाता है। तो इसके यूजेस में हम देखें कि कुर्ता है, ब्लाउज़ है, साड़ी है, या कैप्स हैं, या हमारी बेड शीट्स हैं, या पर्दे हैं, इन सब के लिए किया जाता है ये चिकनकारी का इस्तेमाल। तो जो भी हम अब तक ये एम्ब्रॉयड्रीज देख रहे हैं, हैंड एम्ब्रॉयड्रीज, इनका इस्तेमाल पहले हाउस होल्ड यूज़ के लिए करते थे हम, यानी कि घर के लिए करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इसको मार्केटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाने लगा, कि हम इसे सेल पर्पज़ के लिए भी करने लगे। तो घरों में आम रिवाज होता था कि हाथ से कड़े हुए वस्त्रों का ही प्रयोग करना है, और धीरे धीरे फिर इसे शौक के रूप में और इसे बिजनेस के रूप में अपनाया जाने लगा। और भारतीय कढ़ाई बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो अब हम देखें कशीदा। कशीदा ये कश्मीर की कढ़ाई है, ये आपने सभी ने देखी होंगी। हमारे जो शॉल्स होते हैं, वुलन शॉल्स, उन सभी पर कश्मीरी कढ़ाई की जाती है, कशीदा किया जाता है। बॉर्डर बना होता है, कॉर्नर में एक डिज़ाइन बना होता है, चिनार के पत्ते, ये वहाँ का फेमस ट्री है कश्मीर में चिनार, तो उसके पत्ते के जैसे डिज़ाइन, या पक्षियों के डिज़ाइन, या फूल पत बेल आदि बनाई जाती हैं। और कशीदा जो है ये मुस्लिम परिवारों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा ये कढ़ाई ज़्यादा की जाती है, और कश्मीरी शॉल अपनी इस कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर कारीगर की अपनी कल्पना शक्ति, उसकी जो संस्कृति, उसकी जो सोच है, वो उसमें झलकती है उसके कला में। तो कशीदा के लिए हम लेते हैं क्रीम कलर्ड कॉटन। फैब्रिक हमारा कॉटन भी हो सकता है, वुल भी हो सकता है, और सिल्क भी हो सकता है। सिल्क कशीदा महंगा मिलेगा, कॉटन कशीदा सस्ता मिलेगा। अब जो हमारे डिज़ाइंस हैं, इसमें हम नेचुरल डिज़ाइंस लेते हैं, फूल हैं, बेलें हैं, चिनार के पत्ते हैं, या कमल का फूल है, या पशु पक्षी हैं, पेड़ हैं, ये सभी डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं कशीदा में। और धागा जो हम लेते हैं वो वुलन थ्रेड होता है, ऊनी धागा, या फिर रेशमी धागा। कई बार कॉटन, उसको सस्ता करने के लिए कॉटन थ्रेड भी ले लेते हैं। जो स्टिच है वो कशीदा में स्टिच डार्निंग स्टिच लिया जाता है, और कच्चा टाका जैसा दिखाई देता है ये।
कहीं कहीं पर इसमें मच्छी टाका या हेरिंग बोन और भरवा टाका यानी कि साटे स्टिच लिया जाता है, और कहीं कहीं इस पर चेन स्टिच की जाती है, चेन स्टिच या नॉट स्टिच का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कश्मीरी जो नमदा है, नमदा कश्मीरी नमदा में ऊनी फैब्रिक के ऊपर मोटी ऊन लेकर, पुरानी मोटी ऊन का धागा लेकर और उससे चेन स्टिच से उसके ऊपर कढ़ाई की जाती है। तो इसका प्रयोग फिर नीचे मैट के रूप में भी कर लेते हैं और बेड पर कहीं बिछाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कशीदा का इस्तेमाल जो है वो साड़ियों में, शॉल्स में, सूट्स में, फिरन, फिरन एक तरह का कश्मीरी वस्त्र होता है जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है और ये जो है देखने में एक कुर्ते के समान दिखाई देता है। नमदा वुलन रक्स, नमदा ऐसा ऊनी वस्त्र है जिसको जिसकी बुनाई नहीं की जाती और सीधा ही तंतु इसके जो है धागे की बुनाई नहीं की जाती, इसको तंतु को ही एक तरह से इसकी कई परतें बनी होती हैं और इसके ऊपर फिर धागे से, ऊनी धागे से कढ़ाई की जाती है। स्टोल्स हैं, ये भी कश्मीरी छोटे शॉल्स हैं, इनके ऊपर भी कढ़ाई की जाती है। तो ये कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी और इसको अधिकतर मुस्लिम परिवार करते हैं। अब हम देखें कसूती एम्ब्रॉयडरी। कसूती एम्ब्रॉयडरी इसका प्रयोग सिंध में और कर्नाटका में होता है और अधिकतर इसको साड़ियों पर इस्तेमाल करते हैं या फिर पेंटिंग्स में, वॉल पेंटिंग्स में इस्तेमाल करते हैं या फिर बेडशीट्स और कुशन में भी इस कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हम या तो कॉटन लेते हैं या सिल्क लेते हैं और ये बहुत बारीक एम्ब्रॉयडरी होती है और कई बारी थोड़ी सी कढ़ाई में भी हमें कई हज़ार छोटे छोटे टांके लगाने पड़ते हैं। तो ये सिंधी, इसको हम कहते हैं कसूती कढ़ाई। और इसमें जो डिज़ाइंस होते हैं वो ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस लेते हैं। इसमें डिज़ाइंस का एग्जांपल अगर हम देखें तो बहुत ही पुराने डिज़ाइंस देखें तो डोली, डोली का डिज़ाइन होगा या फिर शंख बने हुए होंगे या फिर उसमें कोई पुराना जो है उनकी धर्म से संबंधित धार्मिक उनके डिज़ाइन होंगे या ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन। अब जो थ्रेड है वो अगर कॉटन कपड़ा है तो उसके ऊपर सिल्क का थ्रेड भी लिया जाता है या सिल्क के ऊपर सिल्क का थ्रेड लिया जाता है और कॉटन जो धागा है वो मर्सराइज्ड होता है। कई बार इसमें सोने और चांदी के तार भी लिए जाते हैं कसूती में। अब जो बैक स्टिच स्टिच है, स्टिच हम इस्तेमाल करते हैं इसमें या तो कच्चा टाका या फिर बखिया, बखिया यानी कि बैक स्टिच और क्रॉस स्टिच और जिगजैग रनिंग स्टिच, इसका इस्तेमाल, इन टाकों का इस्तेमाल इस कढ़ाई में किया जाता है। तो और एक तरह की विश्व प्रसिद्ध ये साड़ियाँ हैं धारवाड़ साड़ी, इसमें ज़्यादातर ये कसूती का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखें चंबा रुमाल, नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी। चंबा रुमाल जैसे कि नाम से स्पष्ट है ये चंबा के क्षेत्र में पाए की जाती है ये एम्ब्रॉयडरी और पुरुषों के द्वारा की जाती है और हिमाचल में चंबा क्षेत्र में इस कढ़ाई का प्रचलन बहुत पहले से ही है और ऐसे रुमाल शादी विवाह के अवसर पर या त्योहारों के अवसर पर ये गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं। चंबा रुमाल एक तरह का चौरस कॉटन का कपड़ा होता है, स्क्वायर पीस और सूती एक चौरस कपड़ा होता है जिसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर डिजाइंस बनाए जाते हैं। ये डिजाइंस जैसे राधा कृष्ण के साथ या रासलीला के डिज़ाइन, गोपियों के साथ या फिर पेड़ पौधों के डिज़ाइन या फिर नेचर से लिए जाते हैं या कोई स्टोरी दिखाते हुए, माइथोलॉजी की कोई स्टोरी दिखाते हुए ये डिजाइंस इस चंबा रुमाल पर बनाए जाते हैं। कई बार इस पर पक्षियों के डिजाइन या पेड़ों के डिजाइन या ज्योमेट्रिकल डिजाइंस भी बनाए जाते हैं। और इस ये जो कपड़ा है अधिकतर कॉटन होता है लेकिन कॉटन में भी मलमल का कपड़ा लिया जा सकता है या फिर खद्दर का हार्ड फैब्रिक है वो भी लिया जाता है।
और इसके ऊपर फिर हम जो धागा है वो रेशम का लेते हैं, रेशम का धागा लेकिन अनट्विस्टेड, अनट्विस्टेड जिसके ऊपर ऐठन ना डाली गई हो। तो ऐसे रेशम के धागे से इसके ऊपर कढ़ाई की जाती है, और एक तरह से कई इसको वॉल पेंटिंग के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर थालपोश की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी पहनने वाले कपड़े में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्टिच है वो दो रुखा होता है, यानी कि डबल साइड, डबल साइड हमें वो स्टिच दिखाई देता है। तो अधिकतर स्टिच इसमें साटिन स्टिच होता है, साटिन स्टिच यानी कि भरवा टाका, भरवा टाका आगे और पीछे वो सेम दिखाई देगा, उल्टे और सीधे में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो इससे रुमाल बनाए जाते हैं और बाकी वॉल पेंटिंग के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी आती है मणिपुरी एम्ब्रॉयडरी। मणिपुरी एम्ब्रॉयडरी जैसे आप डिज़ाइन में देख रहे हैं, ये भी भरवा टाके के द्वारा ही बनाई जाती है, और इसमें एक विशेष तरह के टाके का प्रयोग किया जाता है जिसे मणिपुरी स्टिच कहते हैं। मणिपुरी एम्ब्रॉयडरी मणिपुर राज्य में ही प्रसिद्ध है और वहाँ की ये संस्कृति में आती है, वहाँ की धरोहर है। इसमें जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं उसे कई बार जैम्फी भी कहा जाता है, यानी कि जो युद्ध में जाने वाले सैनिक होते थे उनके वस्त्र। अब ये जो और लंबे जो उनकी अचकन होती थी सैनिकों की, या राजाओं के लंबी अचकन होती थी, उनके ऊपर भी इसके एम्ब्रॉयडरी करते थे। मणिपुरी डिज़ाइन में हम डार्क कलर का फैब्रिक लेते हैं, जैसे ब्लैक है या डार्क रेड है, और उसके ऊपर हम डिज़ाइंस के रूप में पशुओं के डिज़ाइन, पक्षियों के डिज़ाइन, बटरफ्लाई, तितली के डिज़ाइन, हाथी या नाव आदि के डिज़ाइन लिए जाते हैं, हाथी घोड़े आदि बनाए जाते हैं। अब जो धागा है वो भी जैसे अनट्विस्टेड सिल्क है, यानी कि बिना ऐठन वाला रेशमी धागा लिया जाता है, या फिर कॉटन का धागा लेते हैं। स्टिच हम ज़्यादातर साटिन स्टिच लेते हैं, और एक और स्पेशल जो अभी बताया कि मणिपुरी स्टिच वो लिया जाता है। इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? लुंगियों में, पुरुषों के पहनने वाली लुंगी में, या फिर स्त्रियां जो अपने शरीर के ऊपर कपड़ा लपेटती हैं कमर से नीचे, मणिपुर में उस कपड़े के ऊपर ये कढ़ाई की जाती है। तो ये मणिपुरी डिज़ाइन जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है, और ये कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्रों पर जैसे लुंगी है या स्कर्ट्स हैं स्त्रियों के, उनके ऊपर इसकी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। अब हम देखते हैं जरी, जरी की एम्ब्रॉयडरी। ये अधिकतर यूपी में की जाती है, और जैसा आपको दिखाई दे रहा है इसमें हम मेटैलिक कलर यूज़ करते हैं, मेटैलिक थ्रेड्स यूज़ करते हैं, जरी उससे कढ़ाई की जाती है। ये बहुत पुरानी कला है और यूपी में की जाती है। इससे साड़ियाँ, टोपी, जैकेट्स या विवाह के कपड़ों को बनाया जाता है। इसमें जो हम स्टिच का इस्तेमाल करते हैं वो है डंडी टाका, स्टेम स्टिच, या रनिंग स्टिच यानी कि कच्चा टाका। थ्रेड अधिकतर मेटेलिक होता है या कॉटन थ्रेड भी हो सकता है, लेकिन मेटेलिक कलर का। डिज़ाइंस इसमें ले जाते हैं फ्लोरल, फूल पत्ते, बेलें आदि, ऐसे डिज़ाइन ले जाते हैं। और फैब्रिक सिल्क हो सकता है, कॉटन या पॉलिएस्टर का फैब्रिक भी हो सकता है। इस जरी के काम को जरदोजी कहते हैं, और ये कार्य भी पुरुषों के द्वारा काफ़ी मात्रा में किया जाता है। अड्डे पर या जिसे खड्डी कहते हैं उस पर पूरे कपड़े को फैलाकर और उसमें बड़ी सुइयों से इसको जरी का काम किया जाता है, और जरी के लिए हम सोने या चांदी की जरी भी ली जाती है। तो बहुत फाइन काम होता है और महंगा भी होता है, और कई बार जरी बहुत ओरिजिनल होती है तो वो काफ़ी महंगे वस्त्र बिकते हैं और बाजार में उसकी कीमत ज़्यादा होती है। वस्त्र खराब होने के बाद भी उसकी जरी को बेचा जा सकता है अगर वो असली जरी है तो।
सिंधी एम्ब्रॉयडरी, ये इसमें एक जो टाका है वो सिंधी टाका लिया जाता है, स्पेशल सिंधी टाका ही लिया जाता है, और कई बार इसमें फिर मच्छी टाका या चेन स्टिच लिया जाता है। ये सिंध की एम्ब्रॉयडरी है, काठियावाड़ सिंध, अब जो पाकिस्तान में जा चुका है, कच्छ गुजरात का कुछ हिस्सा या सिंध का हिस्सा, वहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है। और इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि अबला भरत, मोती भरत, हीर भरत, इस तरह से। इसमें मोती का काम भी कई बार करते हैं। और इस सिंधी कढ़ाई में एप्लीक वर्क भी किया जाता है। एप्लीक वर्क का मतलब है कि एक वस्त्र पर दूसरे किसी और वस्त्र के छोटे टुकड़े कर और उनको पेस्ट करना या उनको लगाना, किसी और वस्त्र को के टुकड़ों को डिज़ाइन में काट कर किसी और वस्त्र के ऊपर, दूसरे वस्त्र के ऊपर लगा देना। एप्लीक वर्क के लिए हम बटन होल स्टिच का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ये भी सिंधी एम्ब्रॉयडरी में आता है। और इसमें जो डिज़ाइंस हैं वो भी नेचुरल डिज़ाइंस, जैसे कि फूलों के हैं, हाथी, तोता, मोर, और या फिर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस लिए जाते हैं। इससे क्या तैयार किया जाता है? सिंधी कढ़ाई के लिए सूट हैं, साड़ियां हैं, टेबल क्लॉथ है, कुशन कवर है, बैग्स, कॉटन के बैग्स जो है, थैले या बैग्स, स्कर्ट्स, ये भी इससे बनाए जाते हैं सिंधी एम्ब्रॉयडरी से। अब लास्ट में हम देखें मिरर एम्ब्रॉयडरी, यानी कि शीशे की कढ़ाई। तो इसमें आप देख रहे हो साटिन स्टिच का इस्तेमाल है, और दूसरा मिरर को लगाने के लिए, शीशे को लगाने के लिए इसमें कांच टाके का इस्तेमाल किया जाता है, बटन होल स्टिच का या ब्लैंकेट स्टिच का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार इसको चेन स्टिच से भी टाका जाता है शीशों को। और ये कढ़ाई राजस्थान में की जाती है, और बहुत गहरे रंग लिए जाते हैं धागे के, और बड़े बड़े शीशे लगाए जाते हैं राजस्थानी स्त्रियों के लहंगों पर, उनके दुपट्टों पर या चोली पर ये कढ़ाई की जाती है। और इसमें हम बटन होल स्टिच का ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम कहते हैं शीशेदार कढ़ाई या शीशेदार फुलकारी भी कहा जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।